लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम टंडन ने कहा है कि इस बार गठबंधन आगरा शहर व फतेहपुर सीकरी की दोनों लोकसभा सीटों में अपने नाम करेगा। जनता जनार्दन इस बार गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में अपना अमूल्य वोट देकर दोनों गठबंधन प्रत्याशियों को लोकसभा पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि शहर आगरा से लेकर फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र तक भाजपा के दोनों वर्तमान सांसदों ने जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किया है। चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और नामांकन दाखिल हो रहे हैं। आज लास्ट थी, क्या कहेंगे कि गठबंधन प्रत्याशियों के चुनाव के बारे में आज 101 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। जिन लोगों ने मतदान किया उन सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अब जो तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हुआ है, आज उसकी अंतिम तिथि थी। कल हमारे आगरा के और फतेहपुर सीकरी के गठबंधन प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। जनता का आशीर्वाद लेकर के ये पर्चा दाखिल करने गए। चुनावी समर शुरू हो चुका है। आज जिस तरीके से लोग बेरोजगारी से, महंगाई से, जो धर्म की आड़ में लेकर के जनमानस के बीच में नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को लेकर के किसान, मजदूर, महिला जिस तरीके से आज परेशान है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि जनता इस बार मन बना चुकी है कि गठबंधन को आगे लेकर के आना है और NDA गठबंधन की अगर बात करें तो कल सूर्यचंद कदम आगरा शहर से जो कैंडिडेट हैं उनका फ्लोट भी हुआ, तो क्या मानते हैं कि किसकी शरारत हो सकती है? ये विरोध क्या होता है, मतलब कोई आदमी आकर के और काला कपड़ा दिखाया है, काले झंडा दिखाया है, तो विरोध तो नेता का होता ही है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो इन सब बातों को मैं नहीं समझता। मतलब जब सूर्यचंद कदम प्रत्याशी के रूप में आए हैं तो उनके समर्थक भी होंगे और उनके विरोध में भी होंगे लोग, यही तो चुनाव है। अगर सब समर्थन में होते तो चुनाव कहेगा, तो एक तरफा चुनाव हो गया। जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं, बाकी प्रत्याशी और भी हैं, तो ये तो वो है। क्या ये माना जाए कि जो वर्तमान में सांसद है, हो सकता है कि उनकी शरारत हो? ये मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर ये इस तरीके का हल्कापन और शरारत आगरा लोकसभा के जो सांसद हैं और मंत्री हैं वो उस तरीके का कोई गलत बात नहीं करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। अच्छा, कितने वोटों से गठबंधन प्रत्याशी आगरा की सुरक्षित लोकसभा सीट से विजय होंगे? अभी अभी आपके सामने मेरे छोटे भाई और जो हमारे कांग्रेस के जाने माने नेता कार्यकर्ता भाई भेज बंसल एडवोकेट ने आपसे कहा कि 3.5 लाख वोट से तो ये शुरुआत हो रही है, बल्कि 3.5 नहीं 4.5 लाख वोट से शुरुआत हो रही है गठबंधन की। यादव वोट है, इनका सुजातीय वोट है, कर्दम साहब का अल्पसंख्यक वोट है, और वो वोट जो पीड़ित है, इस त्रस्त है इस सरकार से, चाहे वो नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो। जाटा वोट की अगर बात करें तो BSP ने पूजा आरोही को अपना कैंडिडेट आगरा शहरी लोकसभा सीट से उतारा है, तो क्या उनको जाटा वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा? या मैंने देखो कहा कि जाटा वोट उनको नहीं मिलेगा, मैंने आपको अपनी बात रखी है। अब ये तो जनता का काम है, वो देखें
कि प्रत्याशी को किसको आगे लेके आना है। एक तरफ अगर यही बात होती तो मायावती जी आज गठबंधन के अंदर होती और चुनाव के तरीके से और अच्छा हो रहा होता। अब उन्होंने अमरोही जी को लड़ाया, लेकिन क्या अमरोही जी आगरा की जनता के बीच में अपनी पहचान रखती है, सबसे बड़ा प्रश्न है ये। अगर हम मैं तो अपील करना चाहूँगा अपने उन तमाम भाइयों से कि आप इस बार गठबंधन प्रत्याशी के साथ में खड़े होकर के उन पीड़ित लोगों को जो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उन लोगों का सहयोग करें। फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें तो गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं इस बार, क्या उनकी रूपरेखा है और किस तरह से वो इलेक्शन राजकुमार चार जी से जीत पाएंगे? जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं अगला आदमी। खेरागढ़ की जनता ने उनको पिछली बार 8,500 वोट दिया था। मैं समझता हूँ कि वो पिछली बार भी किसी तरीके से आगे नहीं निकल पाए, लेकिन अब जब आज उनको गठबंधन का सहयोग साथ मिल रहा है तो वो चाकी चला के सबसे आगे निकलेगा। अगर राजकुमार चाहर और चौधरी रामेश्वर जी की बात करें तो इन दोनों के इलेक्शन से क्या इनको जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा कुछ पहुंचेगा या नहीं? देखो, फायदा नुकसान चुनाव के अंदर मिलता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये एक सिद्धांत की लड़ाई चल रही है मामले में और रामेश्वर जी की, तो उसमें गठबंधन के प्रत्याशी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आगरा गांधी साइकिल पे बैठ गया है हाथ लेकर के संग में, तो वो निश्चित रूप से साइकिल चला करके आगे निकल जाएगा, इतना मेरा विश्वास है। आगरा के कांग्रेसी किस तरह से इन दोनों कैंडिडेटों का समर्थन करेंगे? आगरा का कांग्रेसी तो टूट पड़ा है इस समय और लग गया है पूरी तरीके से